जय हिंद। आप सभी का स्वागत है परशुराम की प्रतीक्षा के चौथे खंड में। आप सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलते रहे, क्योंकि बिना आपके प्यार का मेरा यह यात्रा सफल नहीं होगा। और जब बात है दिनकर जी की, तो वास्तव में उनकी कविता वीर रस से परे है, वीर रस से कहीं आगे है। उनका कविता बहुत ही विलक्षण रस है, यह दिनकर रस है। तो चलिए बढ़ते हैं दिनकर रस की ओर, परशुराम की प्रतिज्ञा की ओर, इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारी मातृभूमि हमें निराश नहीं करेगी। हमारी धरती दानी है, यह गरीब नहीं है। अगर हम इस धरती माँ को जल और कण देते रहे, तो बदले में यह अगर कुछ नहीं भी दे, तो कम से कम डूब तो जरूर देगी। दिनकर जी कहते हैं, हमारा प्रयास विफल नहीं जाएगा। यदि निरंतर चोटें पड़ती रहे, तो यह विशालकाय शिला भी टूटेगी। हमारे अंदर सब विद्यमान है, जो हमें चाहिए बस हमें उसे अपने अंदर से जागृत करना होगा। दिनकर जी कहते हैं कि वह संत आ रहा है, जो फिर से इस धरती का कल्याण करेगा, और बदले में वह मुकुट या राज भी नहीं मांगेगा। चलिए अब कविता के माध्यम से देखते हैं कि आखिर वह संत हैं कौन, जो इस धरती का कल्याण भी करेंगे और इसके बदले में भी कुछ नहीं लेंगे। तो चलिए चलते हैं परशुराम की प्रतीक्षा के चौथे खंड की ओर, रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में। कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते हैं, कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते हैं, हैं कौन स्वप्न हम जिसे यहाँ ढोते हैं। पर हाँ वसुधा दानी है, नहीं कृपण है, देता मनुष्य जब भी उसको जलकन है। यह दान वृथा वह कभी नहीं लेती है, बदले में कोई दुभ हमें देती है। पर हमने तो सींचा है उसे लहू से, चढ़ती उमंग की कलियों की खुशबू से। क्या वह अपूर्व बलिदान पचा वह लेगी, उद्दाम राष्ट्र क्या हमें नहीं वह देगी। न यह अकांड दुष्कांड नहीं होने का, यह जगा देश अब और नहीं सोने का। जब तक भीतर की गास नहीं कटती है, श्री नहीं पुन भारत मुख पर चढ़ती है। कैसे स्वदेश की रूह चैन पाएगी, किस नर नारी को भला नींद आएगी। कुछ सोच रहा है समय राह में थम कर, मैं ठहर गया सहसा इतिहास सहम कर। सदियों में शिव का अचल ध्यान डोला है, तोपों की भीतर से भविष्य बोला है। चोटें पड़ती यदि रही, शिला टूटेगी, भारत में कौन नई धार फूटेगी। हम खरे ध्वंस में जब भी कुछ गुनते हैं, रथ के घर घर का नाद कहीं सुनते हैं। जिसकी आशा से खरा व्यग्र जन जन है, यह उसी वीर का स्यात वज्र सनंदन है। अंबर में जो अप्रतिम क्रोध छाया है, पावक जो हिमको फोर निकल आया है, वह किसी भांति भी वृथा नहीं जाएगा। आएगा अपना महावीर आएगा। हाँ वही रूप प्रज्वलित विभासित नर का, अंशावतार सम्मिलित विष्णु शंकर का। हाँ यही दुरित से जो न संधि करता है, जो संत धर्म के लिए खड़ग धरता है। हाँ वही फूटता जो समष्टि के मन से, सिंचित करता है तेज व्यग्र जन जन से। हाँ वही न्याय वंचित की जो आशा है, निर्धनों दीन दलितों की अभिलाषा है। विद्युत बनकर जो चमक रहा चिंतन में, गुंजित जिसका निर्घोष लोक गुंजन में। जो पतन पुंज पर पावक बरसाता है, यह उसी वीर का रथ दौरा आता है। गाओ कवियों जयगान कल्पना तानो, आ रहा देवता तो उसको पहचानो है। एक हाथ में परसु एक में कुश है, आ रहे नए भारत का भाग्य पुरुष है। आगार हार अर्पो अर्चना करो रे, आँखों की ज्वालाएं मत देख डरो रे। यह असुर भाव का शत्रु पुण्य त्राता है, भयभीत मनुज के लिए अभय दाता है। यह वज्र वज्र के लिए सुमो का सुम है, यह वज्र वज्र के लिए सुमो का सुम है। यह और नहीं कोई, केवल हम तुम हैं।
यह और नहीं केवल हम तुम हैं। यह नहीं जाति का न तो गोत्र का बंधन का, आ रहा मित्र भारत भर के जन जन का। गांधी गौतम का त्याग लिए आता है, गांधी गौतम का त्याग लिए आता है, शंकर का शुद्ध विराग लिए आता है, सच है आँखों में आग लिए आता है, पर यह स्वदेश का भाग जिए आता है। मत डरो संत यह मुकुट नहीं मांगेगा, मत डरो संत यह मुकुट नहीं मांगेगा, धन के निमित्त यह धर्म नहीं त्यागेगा। तुम सोओगे तब भी यह ऋषि जगेगा, ठन गया युद्ध तो बम गोले दागेगा। जब किसी जाति का आह चोट खाता है, जब किसी जाति का आह चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है, यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है। आहत भुजंग है सुलगा हुआ अनल है, विक्रमी रूप नूतन अर्जुन जेता का, आ रहा स्वयं यह परशुराम त्रेता का। यह उत्तेजित साकार क्रुद्ध भारत है, यह और नहीं कोई विशुद्ध भारत है। पापों पर बनकर प्रलय बाण छूटेगा, यह क्लीब धर्म पर बाज सौदृश्य टूटेगा। जो रुष्ट खड़ग से है उनसे रूठेगा, कृत्रिम विभाकरों का प्रकाश लूटेगा। वह गरुड़ देश का नाग पास काटेगा, अरिमुंडों से खाइयां खो पाटेगा। विद्युतित जीव से चाट भित्ति हर लेगा, वह तुम्हें आप अपने समान कर लेगा। रह जाएगा रह जाएगा वह नहीं ज्ञान सिखलाकर, दुरस्थ गगन में इंद्रधनुष दिखलाकर। वह लक्ष्य बिंदु तक तुमको ले जाएगा, उंगलियां थाम मंजिल तक पहुंचाएगा। हर धड़कन पर वह सजल मेघ सहरेगा, गत और अनागत बीच व्यग्र बिहरेगा। बरसेगा बन जलधार त्रिसित धानों पर, बन तांड द्वार छूटेगा चट्टानों पर। जब वह आएगा दुधा द्वंद बिनसेगा, आलिंगन में अवनी का व्योम कसेगा। विज्ञान धर्म के धर से भिन्न न होगा, भवितव्य भूत गौरव से छिन्न न होगा। जब वह आएगा खल को बुद्ध छोड़ेंगे, सब सांप आप ही फन अपने तोड़ेंगे। विश्वाह अभ्र गांधी पर नहीं घिरेंगे, शांति के नीर में गोले नहीं गिरेंगे, शांति के नीर में गोले नहीं गिरेंगे। धन्यवाद।